आप सभी लोग पढ़ाई तो करते हैं, पढ़ाई के अलावा अन्य बहुत सारे कार्य भी करते हैं। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग जॉब भी कर रहे हों, जॉब के साथ पढ़ाई कर रहे हों। क्या आपने कभी अपने कार्य का रिव्यू किया है कि आप जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, वो कार्य में क्या प्रगति कर रहे हैं, आप क्या प्रोग्रेस कर रहे हैं, कितना आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं और किस स्पीड से जा रहे हैं? कभी आपने ये रिव्यू किया है? बहुत कम ही लोग होते हैं जो अपने कार्य का समय के साथ मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन बहुत जरूरी प्रक्रिया है। मूल्यांकन एक जीपीएस की तरह काम करती है, हमें डायरेक्शन प्रदान करती है। इसलिए आपको अपने सप्ताह का एक दिन मूल्यांकन के लिए रखना चाहिए, प्रोग्रेस रिपोर्ट को चेक करने के लिए रखना चाहिए, नई प्लानिंग बनाने के लिए रखना चाहिए, जो आपकी प्लानिंग चल रही है उसमें अपग्रेडेशन के लिए रखना चाहिए, और उस दिन को बहुत एनर्जेटिक और बहुत ही क्रिएटिव बनाना चाहिए। आप सभी को उसमें कुछ नया करने की कोशिश करना चाहिए, और ये दिन आप रविवार के दिन को रख सकते हैं। जो रविवार का दिन है उसको आप कुछ इस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं कि उस पूरे दिन में आप अगले पूरे सप्ताह के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं, और पिछले सप्ताह में आपने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की उन उपलब्धियों के बारे में मूल्यांकन कर सकते हैं, अपने गोल को रिव्यू कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं, उनमें अपग्रेडेशन ला सकते हैं। ये बहुत जरूरी होता है, कुछ नयापन ला सकते हैं। जैसे लाइक मान लीजिए आपने कुछ टास्क लिए, एक पढ़ाई के लिए आपने टास्क ले रखा है, ये आपका कैरियर से जुड़ाव रखता है। आपने हेल्थ के लिए टास्क ले रखा है, मेंटल हेल्थ के लिए टास्क ले रखा है, इसके अलावा आपने फाइनेंशियल गोल के लिए टास्क ले रखा है। हम मल्टीपल टास्क पे काम करते हैं, लेकिन यदि उनका हम समय समय पर रिव्यू नहीं करेंगे, उनका प्रोग्रेस रिपोर्ट चेक नहीं करेंगे, उनकी कमियों को नहीं समझने का प्रयास करेंगे, उनमें सुधार करने के लिए क्या प्रक्रियाएं अपनाई जा सकती हैं उस पर काम नहीं करेंगे, तो संभवतः बहुत निराश सा हो जाएगा। और एक चीज मैं और आपको बताऊं, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कहते हैं सर पढ़ते 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 दिमाग जो है ना शांत हो गया, दिमाग में क्या हो गया कि अजीब सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं पढ़ रहा हूँ सही पढ़ रहा हूँ कि नहीं पढ़ रहा हूँ, मेरा होगा नहीं होगा, एक दो दिन डाउन रहता है। अच्छा जैसे मेरे साथ क्या है, मैं आपको बताता हूँ, मेरा सप्ताह में 6 दिन तो बहुत ज़बरदस्त होता है, मंडे से लेकर सैटरडे तक मैं खूब काम करता हूँ, लेकिन संडे का दिन उससे भी ज़्यादा क्रिएटिव और रचनात्मक होता है। ठीक है, मैं अपने उदाहरण से इसलिए समझा रहा हूँ कि आप रिलेट कर पाएंगे कि संडे को किस तरीके से आपको रखना चाहिए। संडे में कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ रखता हूँ, जैसे लाइक किसी नए प्लेस में जाना। नए प्लेस का मतलब ये नहीं है कि किसी दूसरी जगह जाना, वो एक अलग बात हो गई। आसपास ही, जैसे मान लीजिए मैं प्रतिदिन सुबह मॉर्निंग में मान लीजिए किसी पार्क में जाता हूँ, ठीक है आप लोग भी जाते होंगे, लेकिन संडे को किसी नए पार्क में जाना, किसी नई जगह पे जाना, हो सकता है पार्क ना हो तो कोई नई जगह पे जाना। इससे क्या हो गया, एक जगह बदल गई, लोकेशन चेंज हो गई। सुबह सुबह मॉर्निंग में उस दिन स्टडी नहीं होती, मैं स्टडी नहीं करता उस दिन, मतलब किताबें जो आम तौर पे मुझे आप लोगों को पढ़ाना है या चीजें करना वो काम नहीं करता हूं उस दिन। मेरा कार्य क्या रहता है, एक तो पहली बात नई लोकेशन विजिट करना, सुबह सुबह वहां पे अपनी मॉर्निंग की एक्टिविटीज पूरी करनी है। ठीक है, मॉर्निंग की। बाकी 6 दिन मैंने क्या क्या हासिल किया, मैंने ये टारगेट सेट किए थे, क्या ये 6 दिन में ये चीजें कंप्लीट हो गई? हाँ कंप्लीट हो गई। अब आगे के गोल क्या होंगे, आगे के गोल सेट करना कि अगले 6 दिन हमें क्या क्या करना है, अगले 6 डेज हमें क्या क्या करना है, मतलब ये अचीवमेंट रही, अचीवमेंट कहाँ पे कमी रह गई, हमने टारगेट बनाया था लेकिन इसको अचीव नहीं किया, कहाँ पे कमी रह गई, कहाँ पे मेरा समय चला गया, आगे इस पे गलती ना करें। यानी अपनी गलतियों को जब तक नहीं समझेंगे तो सुधार हो पाना बड़ा मुश्किल है। फिर एक ढर्रे पे आप चलते रहोगे, आपको मंडे भी उतना ही नीरस लगेगा और सैटरडे भी। तो मैं 5-6 काम करता हूँ संडे को। एक तो नया प्लेस विजिट करता हूँ, एक नए टेम्पल में भी जाता हूँ, मतलब जो मुझे लगता है दिल्ली NCR के जितने भी बड़े महत्वपूर्ण टेम्पल होंगे मैं लगभग सभी में जाता हूँ। नए टेम्पल में मतलब सुबह मैं मॉर्निंग में, जैसे अभी आप मुझे, मैं आपकी क्लास ले रहा हूँ तो मैं सुबह 3 बजे उठा, 4 बजे तक मैं नहा धो के बिल्कुल फिट हो जाता हूँ। मतलब आप मुझे कहेंगे 4 बजे के बाद कि सर यहाँ चलना है, मैं पूरा कंप्लीट रेडी होता हूँ, पूरे दिन के लिए रेडी हो जाता हूँ। कोई भी मीटिंग करनी है, किसी से भी मिलना है, कुछ भी काम करना है, मेरी लाइफ में ये टेंशन नहीं रहती कि अभी नहाना है, अभी नहाना है, अभी नहाना है, सब मॉर्निंग में ही हो जाता है। तो एक टेम्पल विजिट करना, नए लोगों से भी मिलना,
कई बार क्या होता है ना, हम फैमिली टाइम भी नहीं देते और नए लोग जो अपने दोस्त मित्र यार हैं उनको भी टाइम नहीं देते। ये एक तरीके से सोशल बैलेंस क्रिएट करना, उस पर भी टाइम देना, अपने लिए प्लानिंग करना, खुद के लिए जो अभी इससे पहले काम किया उसको रिव्यू करना, सब चीज़ों को पूरा संडे, मतलब मेरा संडे सबसे व्यस्ततम दिनों में से एक होता है लेकिन सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक दिनों में से एक होता है। तो नई जगह एक्सप्लोर करना, और कुछ जैसे मैंने बहुत सारी डिशेज लिख रखी हैं जो मुझे, जैसे खाने का भी थोड़ा बहुत शौक है मुझे, पर मैं बाहर का बहुत कम खाता हूँ, लेकिन संडे मैं कोशिश करता हूँ कि कोई नई डिश खाई जाए, नई डिश, लाइक कई बार मैं खुद भी कुक करता हूँ थोड़ा बहुत। तो एक क्या होता है, आप चीज़ों को बिल्कुल 360 डिग्री चेंज कर देते हैं, है ना, खुद भी कुछ नई रेसिपी क्रिएट करना या कई बार चीज़ों को सीखना, लर्न करना। और कुछ मैंने बहुत सारी नई नई एक्टिविटीज़ है जो केवल संडे को रखा है कि ये काम करना है। जैसे अभी मैंने म्यूजिक के लिए सोचा है कि मैं थोड़ा म्यूजिक सीखूंगा, जो कि मतलब जिसमें मैं सबसे ज़्यादा जीरो हूँ, तो अभी मैंने म्यूजिक सीखना चालू किया है। संडे टू संडे म्यूजिक में गिटार मैंने प्लान किया है कि मैं सीखूंगा। तो मतलब क्या है कि आप चीज़ें, किताबें पढ़ना, कोई किताब आपने डाल दी केवल संडे को आप इस किताब को पढ़ेंगे, मतलब वो चीज़ें क्या करती है, संडे मोस्ट एनर्जेटिक रहा आपका। अब इसके बाद आप सोचिए, मंडे को आप पूरी तरीके से प्लान कर चुके हैं, पूरी तरीके से तैयारी कर चुके हैं, पुरानी गलतियों को आप सीख चुके हैं, और मंडे से आप फिर पूरी एनर्जी के साथ लग जाते हैं और सप्ताह के 6 दिन जबरदस्त काम करते हैं, और फिर संडे आपका आता है, संडे का आपको इंतजार होने लग जाएगा। संडे सोने में नहीं व्यतीत करना है कि आप सोने में व्यतीत कर दिया, आप सो गए संडे को, अरे बस नींद लेते हैं, खर्राटे लेते हैं, नहीं, कोई फायदा नहीं है। बिस्तर में चीजें आप क्या हासिल करते हैं, उसमें सड़ रहे होते हैं आप, ये मान लीजिए। सोने को प्लान भी करना है तो संडे को आप दोपहर में प्लान कर लीजिए कि दोपहर में मैं 2 घंटे सोऊंगा, मेरे साथ है कोई नई वेब सीरीज देखना है, कोई नई मूवी देखना है, वो भी डे टाइम में, नई मूवी देख लिया, नई वेब सीरीज देख लिया, वो भी काम करता हूँ। आपको मैं दी लिस्ट बताऊँ, मेरे पास मैं बहुत सारी मूवियाँ वेब सीरीज, आप नाम लेंगे मैं देख चुका हूँगा शायद। ये सब चीज़ें क्या करती हैं आपको, मतलब आपका जो एक तरीके से हॉबी टाइम है, स्पोर्ट गेम खेलना, जैसे लाइक अभी मैंने टेनिस चालू किया है, टेनिस एकेडमी ज्वाइन की है, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता हूँ, लेकिन संडे को मैं थोड़ा सा टाइम देता हूँ। जो मेरे कोच हैं उनके साथ जो है टेनिस, मतलब अभी मैंने जस्ट स्टार्ट किया है एक नई कम्युनिटी, तो कोई नया गेम चालू करना, नए गेम की तरफ जाना। अच्छा, मेरे पास अभी पूरी कंप्लीट लिस्ट है कि मुझे अब ये गेम पे काम करना, मैं मल्टीपल स्पोर्ट्स एक्टिविटी में शुरू से ही मैं रहा हूँ, तो बहुत सारे गेम्स मैं जान खेलता भी हूँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, लाइब्रेरी ज्वाइन, लाइब्रेरी भी मैं इस एरिया की जितनी भी प्रमुख लाइब्रेरी होंगी सभी लाइब्रेरी में मैं गया हूँगा। यहाँ छोड़िए, मैं जब केरल गया था तो केरल में भी मैं बहुत सारी लाइब्रेरीज में गया था, तो वो भी एक होता है संडे को, यदि लाइब्रेरी ओपन है कोई आसपास, बहुत सारी लाइब्रेरी ओपन रहती है संडे को, वहाँ विजिट करना, नई किताबें खरीदना, मतलब मल्टीपल एक्टिविटीज़ करना। यदि बहुत खाली टाइम हो गया तो रूम को एक बार डेकोरेट करना, रीडिजाइन करना, ऐसे करके आप अपनी एक लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, संडे को मोस्ट इफेक्टिव बना सकते हैं। सिर्फ सोने के लिए संडे नहीं है, संडे के जो 18 घंटे होते हैं कई बार मुझे कम पड़ जाते हैं, मुझे लगता है यार ये एक्टिविटी रह गए, चलो अब अगले संडे करेंगे। तो मेरा आप सभी से आग्रह है कि आप लोग थोड़ा सा रिव्यू करना चालू करिए, प्रोग्रेस रिपोर्ट अपनी निकालनी चालू करिए, फिर देखिए आप अपनी लाइफ में कितना एक्टिव हो पाएंगे, अपनी लाइफ को कितना बेहतर बना पाएंगे। सिर्फ रील्स देखते रहना मोबाइल पे चीज़ें, अच्छा संडे में मोबाइल पे भी मुझे क्या देखना है, क्या नई चीज़ें सीखनी है, क्या नया कार्य करना है ना, उन चीज़ों को भी आपको सीखने में बहुत मज़ा आएगा, बहुत सारे नए नए कार्यक्रम और नई नई चीज़ें आप सीखेंगे। जैसे लाइक अभी मैंने कुमार विश्वास जी को मैं बहुत सुनता हूँ, मतलब उनका मैं एक तरीके से बहुत फैन हूँ कुमार विश्वास जी का, उनका एक कार्यक्रम आता है अपने अपने राम, आप कभी सुनिए उस कार्यक्रम को, अद्भुत, मतलब आप रामचरितमानस और रामायण को समझना चाहते हैं आप उस कार्यक्रम को थोड़ा सा टाइम दीजिए, आपको बहुत सारे वैल्यूज़ क्रिएट होंगे आपकी लाइफ में। और ऐसे ही और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने जो भगवत गीता पे इतने सारे बहुत सारे आपके वो हैं, तो आप जिस रिलीजन को आप वो कर रहे हैं तो आप भगवत गीता को थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करिए। और कई बार क्या होता है, हमें खुद समझ में नहीं आता, हमें गुरु चाहिए होता है, तो किसी ना किसी को बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, चाहे वो रामभद्राचार्य जी हों या फिर अन्य बहुत सारे लोग हैं, है ना, उन्हें कृपालु जी महाराज, मैं उनको भी बहुत सुनता हूँ जब मुझे टाइम मिलता है। कृपालु जी महाराज ने जिस तरीके से चीज़ों की व्याख्या, उनका एक कार्यक्रम आता है मैं कौन मेरा कौन, वो भी खतरनाक, मतलब ज़बरदस्त, उसमें भी आपको बहुत सारी सदगुरु को सुनना, तो एटलीस्ट आपको
आपको कुछ ना कुछ एक्टिविटीज अपने लाइफ में ऐड करनी चाहिए और संडे को कुछ इफेक्टिव बनाइए, सिर्फ एक ढर्रे पे मत चलिए, पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं और फिर उससे क्या होगा, आप अपनी लाइफ में बोर होने लग जाएंगे, ठीक है। इसलिए मल्टीपल एक्टिविटीज करनी है, थोड़ा थोड़ा करिए, कोई ऐसा नहीं बहुत एक्सपर्ट बनना है, कुछ भी करना है, पर थोड़ी थोड़ी एक्टिविटीज करके आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, मोस्ट प्रोडक्टिव बन सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में ऐड ऑन कर सकते हैं। और अपनी लाइफ, हमारी ज़िंदगी है कितनी बड़ी बताओ मुझे, है कितनी बड़ी ज़िंदगी, 30 साल वैसे भी गुजर गए हैं, 30 साल और मान लीजिए एक्टिव लाइफ के हैं, 60 के बाद वैसे भी दिमाग में चलने लगता है रिटायरमेंट रिटायरमेंट रिटायरमेंट, जो कि मेरे दिमाग में कभी नहीं चलता। मैंने सोच रखा है कि जब तक जीना है जबरदस्त काम करना है, लाइफ टाइम एक्टिव रहना है और इसके लिए खूब मेहनत करनी है और उसके लिए गोल्स तय करने हैं अपने कि क्या क्या गोल्स पाना है ना। एक बुक है इकीगाई, कभी टाइम मिले तो खरीदिएगा और पढ़िएगा, आपको मिल जाएगी अमेजोन वगैरह में। इकीगाई, इकीगाई का मतलब ही होता है कि मेरे जीवन का मकसद क्या है ना। मैं जैसे जापान वगैरह में बहुत सारे ऐसे ब्लू जोन्स हैं, जापान भर में नहीं है, वर्ल्ड में लगभग 5 ब्लू जोन्स एरिया हैं जहां पर लोगों की उम्र 100 साल से ऊपर है, 100 साल से ज़्यादा जीते हैं वो, तो 90 के बाद वो अपना इकीगाई ढूंढते हैं। इकीगाई का मतलब कि वो 90 के बाद क्यों जीना चाह रहे हैं, क्या करेंगे उस जिंदगी का। तो वो आपको अपने जीवन का मकसद आपको पता होना चाहिए कि आप अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं और किस तरीके से बढ़ना चाहते हैं। केवल एक चीज दिमाग में बैठा के रख ली है आपने, आपको सिर्फ एक ही चीज दिख रही है, बहुत अच्छी बात है। आप पढ़ाई करिए, खूब जबरदस्त पढ़ाई करिए, पर अपनी हॉबीज को टाइम दीजिए, अपनी पर्सनालिटी ग्रूम करने के लिए टाइम दीजिए, नए लोगों से मिलिए, नए दोस्तों से थोड़ा सा, जैसे दोस्तों से मिलना भी है, सप्ताह के 6 दिन नहीं, 6 डेज नहीं, लेकिन 7वें दिन संडे को सबसे मुलाकात करिए और बहुत एनर्जेटिक होकर के आप रह सकते हैं और फिर आप देखिएगा कि लाइफ में कितने पॉजिटिव चेंज आप सभी को मिलेंगे, ठीक है। तो ये मेरा आप सभी का सलाह है, अपनी प्रोग्रेस को अच्छा करिए, अपनी पर्सनालिटी को अच्छा करिए और आप लाइफ में देखिएगा धीरे 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 आप बेस्ट पर्सनालिटी में कन्वर्ट हो जाएंगे, आप एक शानदार व्यक्तित्व के मालिक बन जाएंगे और ये बहुत ज़रूरी है। सिर्फ एक ढर्रे पे चलते रहने से कोई भी फायदा नहीं है। कोई भी बुक पढ़ सकते हैं, देखो बहुत सारी किताबें, जैसे मैं एक महीने में 5 नई किताबें पढ़ता हूँ, 5 नई किताबें, बाकी तो आपका सिलेबस सब्जेक्ट ये सारी चीज़ें होती हैं और ये 5 नई किताबें क्या क्या होती हैं, एक स्पिरिचुअल की बुक होती है, एक किसी पर्सनालिटी की बुक होती है, एक आपकी जो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बुक होती है, एक हेल्थ की बुक होती है, एक फाइनेंस की बुक होती है। ये 5 कैटेगरी में मैंने एक एक किताब पकड़ रखी है ना, और वो मैं किताब एक महीने में कंप्लीट कर देता हूँ, मुझे जो भी टाइम मिलता है पर डे मैं चूंकि हर किताब को पढ़ता हूँ तो बहुत सारे चीज़ें मुझे समझ में, मतलब बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। ये चीज़ें तो अब आपको लगता होगा सर हमारा सिलेबस ही इतना बड़ा है, अरे आप जितना पढ़ते हैं ना, आप मान के चलिए कि मैं भी उतना ही पढ़ता हूँ, यदि आप 12-13 घंटे एक्टिव पढ़ रहे हैं ना तो मेरा भी इतना ही टाइम रहता है पढ़ने का, पढ़ाता भी हूँ जबकि मैं आप लोगों को क्लास भी ले रहा हूँ, सब कुछ ले रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मैं सारी चीज़ें मैनेज कर ले रहा हूँ। सुबह अभी मैं आया हूँ, भगवद गीता मैं पढ़ के आता हूँ, सुबह मॉर्निंग में उठने के बाद नहाने के बाद मैं पहला काम करता हूँ भगवद गीता को पढ़ना, उससे मेरा पूरा दिन की शुरुआत जबरदस्त हो जाती है ना। तो आपको कुछ ना कुछ तरीके ढूंढने पड़ेंगे जिससे आपकी ये पढ़ाई भी बहुत अच्छी हो जाए। और बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ता मैं, 5 श्लोक पढ़ता हूँ बस, 5 श्लोक पर डे से शुरुआत होती है मेरे दिन की और उसके बाद फिर मेरी लाइफ में बहुत सारे काम एक्टिविटीज़। तो आप भी अपनी लाइफ को बेस्ट बना सकते हो, अच्छा बना सकते हो। देखो मैं चाहता हूँ आप ये रील्स के चक्कर से कैसे आप बच जाओ है ना, कैसे अपने टाइम को मतलब थोड़ा बेहतर बनाओ और फिर देखिए कि आप अपनी लाइफ में कितना ग्रो करते हैं। संडे के दिन पे जब आप इफेक्टिव तरीके से अपनी पूरी प्लानिंग बनाएंगे और उसको फिर पूरे सप्ताह बढ़िया से उसको क्या करिए, उस पर काम करिए और जो भी आपको कमियां लगती हैं, जो भी आपको चेंजेस करना है, कुछ भी करना है, उनको लिखते रहो और फिर अगले संडे में चीज़ों को चेंज करो, ठीक है। पर ये नहीं कि डेली दिनचर्या बना रहे हैं, डेली दिनचर्या को चेंज कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। संडे टू संडे आप इफेक्टिव लाइफस्टाइल को क्रिएट करिए, ठीक है। चलिए।